आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। विधानसभा निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने डीडीयू कैंपस में स्थित पोलिंग पार्टी रवानगी स्ट्रांग रूम काउंटिंग स्थल और दीक्षा भवन का किया निरीक्षण। कहा पोलिंग बूथ पर ड्यूटी करने वाले अधिकारियों के लिए किया जा रहा है समुचित व्यवस्था। जनवरी को मोगलहा से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक शातिर लुटेरे को गुलरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक चोरी की मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में वैक्सीनेशन से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक हुआ संपन्न। द्वितीय डोज न लगवाने वाले व्यक्तियों को फोन से जागरूक करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया लक्ष्य। एसटीएफ उत्तर प्रदेश की फील्ड इकाई गोरखपुर की टीम ने 31 दिसंबर को मुंबई के थाना मानखुर्द में हत्या कर फरार अभियुक्त रवि संतोष सपकाले उर्फ रवि चिकना को किया गिरफ्तार। गिरफ्त में आए अभियुक्त को मुंबई पुलिस को किया सुपुर्द। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहर में ज्यादा तेजी से फैल रहा है कोरोना महामारी। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने नागरिकों से की अपील। कहा वैक्सीन जरूर लगवाएं, बहुत आवश्यकता पर ही घर से निकले बाहर तथा करें मास्क, सोशल डिस्टेंस व सैनिटाइजर का प्रयोग। नगर विधानसभा में निवास करने वाले भाजपा पदाधिकारी की बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। ने कहा नगर की जनता लड़ रही है चुनाव, स्वयं आकर लोग कर रहे हैं संपर्क। सीएम योगी को पूरे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाकर बनाना है रिकॉर्ड। कोरोना की तीसरी लहर के संक्रमण एवं नियंत्रण हेतु नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नव निर्मित सदन कार्यालय भवन में समस्त कर्मचारियों की बैठक हुई संपन्न। ने कहा प्रत्येक वार्ड के हर घर का करे निरीक्षण, लक्षण के आधार पर पहचाने कोरोना संक्रमित मरीज, मेडिकल किट को करे वितरित, बाहरी व्यक्तियों पर रखी जाए निगरानी। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 371 केंद्रों पर 51,210 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 33,623 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 9,467 लोग रहे शामिल। एसीएमओ ने कहा कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन, लगाए मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। गोरखपुर में मंगलवार को पाए गए 272 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में पहली बार घटी एक्टिव केस की संख्या। 151 मरीज हुए ठीक, अब एक्टिव केस की संख्या हुई 2602। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और जनपद में अगले 3 दिनों तक ठंड व सुबह और शाम रहेगा घना कोहरा। जिला आपदा विशेषज्ञ ने नागरिकों से की अपील। कहा वाहन चलाते समय जरूर जलाएं हेडलाइट।